जय माता दी। आज मैं राकेश बंसल आपका दोस्त आपके साथ शेयर करूंगा 4 in 1। जी हाँ, एक वीडियो में चार चार चीजें। सबसे पहले तो मेरा ओवरलोडेड ट्रेड, दूसरा दाम है कम और बड़ी रीरेटिंग का दम, तीसरा मैं शेयर करूंगा अ परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, और अंत में शेयर करूंगा अ बिग वर्ड ऑफ कॉशन। तो हो गया ना दोस्तों 4 in 1 वीडियो, तो ये आज मिलेगा। तो इधर उधर की बात नहीं करता हूं, शुरुआत करता हूं अपने ओवरलोडेड ट्रेड से। देखिए, एक स्टॉक है जो टेक्निकली मुझे एकदम लग रहा है कि इसको ओवरलोडेड मात्रा में ले लेना चाहिए। ओवरलोडेड से मेरा मतलब है कि या तो आदमी अपने वजन या अपनी उम्र के अनुसार इसकी क्वांटिटी कर ले। बट है क्या भैया, मार्केट है, ग्लोबल वोलेटिलिटी भी रहती है, डोमेस्टिक वोलेटिलिटी भी रहती है, और आगे चल के देखें तो आरबीआई का मीट भी है 3 तारीख को। तो डर लगता है भैया, उम्र और वजन के हिसाब से, मतलब कि क्वांटिटी लेते हुए। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वो घबराएगा, किसी की उम्र ज्यादा है तो वो घबराएगा। बट टेक्निकली अगर आप देखो तो सारे मैथमेटिक्स, सारी साइंस को फुलफिल कर रहा है कि इसको ओवरलोडेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। और ये स्टॉक है कमिंस इंडिया। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी है, चार्ट आपके सामने है। और देखिए क्यों ओवरलोडेड लेना चाहिए। देखो, सिंपल चीज, ये मंथली चार्ट, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर भैया मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ये हाईज हैं 2015 के, 2015 के हाईज डिसाइसिवली टूट रहे हैं 2022 में। वीकली चार्ट देखो आप, आंखें खोल के, मतलब कि भैया अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो आंखें खोल के देखे, आंखें खोल के चश्मा पहन के देख ले भैया, ये वीकली पे तोड़ा है। और यहां पर देखो क्या है, ये बन रहा है एक कंसोलिडेशन, राउंडिंग बॉटम बोलो, रेक्टेंगल बोलो, आप जो मर्जी बोलो भाई, मुझे तो राउंडिंग बॉटम लग रहा है। ये चार्ट पैटर्न है, टेक्निकली पैटर्न बढ़िया है। अब यहाँ पर मद्देनजर चीजें क्या नजर में रखनी है, 3 तारीख को आरबीआई की मीट है, रिस्क वन आरबीआई की मीट है, कुछ ऊंच नीच हो गई। 4 तारीख को इसके नतीजे हैं। टेक्निकली चार्ट देख के तो लगता है कि नतीजे बढ़िया होंगे, बट भैया मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मैं और आप गलत निकल सकते हैं। तीसरा क्या है भाई, तीसरा रिस्क यहाँ क्या है, मार्केट रिलेटेड रिस्क है, वो तो हमेशा रहता है। और चौथा रिस्क क्या है कि भैया मेरा पागलपन, इस पैटर्न पे ओवरलोड हो रहे हो। बट मुझे ये स्टॉक क्लियरली ओवरलोडेड ट्रेड लगता है, 1292 के अराउंड चल रहा है। और टेक्निकली देखो, ये आपके 1150, 1170, 80 इस बेस है। तो भैया टेक्निकली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, तो 1170 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पर 1550, 1550 से लेकर 1615 के लेवल्स कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली, विदाउट एनी पेन यहाँ देखने को मिलने चाहिए। तो जो पहला मेरा ओवरलोडेड ट्रेड जो मैंने आपके साथ था 4 in 1 का, पहला वन जो है वो है मेरा ओवरलोडेड ट्रेड, वो है खरीदारी की राय ऑन कमिंस। टारगेट है 1550 से लेकर 1615 के। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया, दूसरा क्या आता है मेरे पास, दूसरा जो मैंने आपको बताना है वो है दाम है कम, दाम है कम और बड़ी रीरेटिंग का दम। देखो, दाम तो 140 से कम का है, बट बड़ी रीरेटिंग का मुझे दम लग रहा है। देखो, इसमें दम लग रहा है, इसके कुछ कारण भी हैं। देखिए, वो कारण आपको समझ में आएंगे तो थोड़ा सा ना आवन जावन लगा के रखना पड़ेगा। पहले मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट के बाद कुछ बताऊंगा। तो स्टॉक है आरबीएल बैंक। देखो जी, ये है आरबीएल बैंक का टेक्निकल चार्ट, ठीक है। अब आरबीएल बैंक में क्या है, ये जब न्यूज आई थी कि 27 दिसंबर से पहले एक न्यूज आई थी कि आरबीआई का नॉमिनी बोर्ड पे बैठ रहा है, तो स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन हुआ था 129 के लेवल पर, स्टॉक भैया 80-82 रुपए जाके 137 रुपए पे खड़ा हुआ है। और टेक्निकली इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद जो मेरे अपने प्रोप्राइटरी इंडिकेटर हैं इसके ऊपर आ गया है। ये मंथली चार्ट भी देख लो आप, मंथली चार्ट भी देख लो आप, और ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। तो ये वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो इन जिन स्तरों पे चल रहा है भाई, अच्छा लग रहा है मुझको, एक अच्छी रैली का कैंडिडेट लगता है। और ये जो इवेंट है, ये इवेंट पे गिरा था और मुझे लगता है अब ये गैप को इजीली फिल करेगा। 170 पहला पड़ाव, 200 रुपये दूसरा पड़ाव। अब
दाम है कम तो मैंने बोल दिया आपको, बट बड़ी रीरेटिंग का कारण क्या लगते हैं भैया? कुछ कारण, दो तीन कारण लगते हैं। पहला कारण तो मुझे ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है और अटकलियां भी चल रही हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी बोल रही हैं कि आरबीआई का जो नॉमिनी बैठा हुआ है वो यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही वो ऑफिशियली हटेगा, खबर नहीं, जब ऑफिशियली हटेगा तब एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दूसरा मेरा मानना है कि यहाँ पर जैसे कोई सीनियर बैंकर जो कि पीएसयू बैंकिंग में एक रिस्पेक्टेड नेम है, वो शायद यहाँ पे बोर्ड बोर्ड में आए आगे चल के। नाम लेने को मैं दो तीन नाम ले सकता हूँ, बट इतनी अटकलियां लगाना ठीक नहीं होगा। और तीसरा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो गजा कैपिटल के, मतलब कि गोपाल जैन जिनकी गजा कैपिटल है, उन्होंने 170 के ऊपर काफी समय पहले यहाँ पर स्टेक लिया था। 1.34% स्टेक है उनके पास, लगभग 80 लाख शेयर है उनके पास। और देखो आप लोग शायद जानते हो ना जानते हो, मैं तो अपनी करियर की शुरुआत में गोपाल जैन जी से मिला था किसी के थ्रू, एक बड़े कनेक्शन के थ्रू। और नाम लेना उनका उचित नहीं है क्योंकि काफी कंट्रोवर्सीज में नाम आया हुआ है। तब गोपाल जैन क्या था, उससे पहले जब मैं मिला था उससे पहले ये वीएलएस फाइनेंस में काम करते थे और इन्होंने 1 करोड़ के 32 करोड़ करे थे वीएलएस फाइनेंस के लिए। उसके बाद भैया डिमांड करी कुछ, तो भैया कंपनी तो कंपनी होती है, वो कहाँ इंप्लॉय को कुछ समझती है। इन्होंने जॉब छोड़ी थी ओबराय जो मुंबई का है नारिमन पॉइंट पर, वहां पे 18 महीने एक स्वीट के अंदर इनका रेसिडेंस रहा था। तो मेरे जो लिंक है, मैं एक बार उनके साथ वहां पे गया था तो उनकी गाड़ी क्रेन उठा रही थी, तो ये गोपाल जैन जी भागे थे गाड़ी को रोकने के लिए उस जमाने में। बाद में ये गजा कैपिटल भी बनी और गोपाल जैन जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। और मतलब कि एक कहते हैं ना, न्यूज इन द एयर है कि मतलब कि गोपाल जैन जी तो मतलब कि 250 रुपए से पहले निकलेंगे नहीं यहाँ से, और हम तो भैया 170 पहला टारगेट, 200 रुपीज दूसरा टारगेट दे रहे हैं। तो ये तो क्या है कि रूमर इन दी एयर, ये सब चीजें इधर उधर की मैंने आपको बता दी हैं। अब ये देखो जी, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। चार्ट में आप मंथली में देखो तो भैया कहाँ से 700 रुपए से गिरता हुआ आया है, ठीक है। अब भैया अगर ये डेड कैट बाउंस भी है ना तो भी ये 200 रुपए जाना चाहिए। ये डेड कैट बाउंस भी है तो भी मंथली चार्ट के हिसाब से 200 रुपए जाना चाहिए, और वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये गैप फिल करेगा। गैप फिल करेगा तो भैया ये 165 170 पहला पड़ाव, और उसके बाद भैया ये लेवल्स आते हैं 200 रुपए के, 200 रुपीज मेरा टारगेट है। तो ये दो लेवल्स मुझे लगता है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दूसरा जो मेरा आपके साथ जो 4 in 1 का दूसरा मतलब कि 2 है जो मेरा, वो दाम है कम और बड़ी रीरेटिंग का दम, वो स्टॉक है आरबीएल बैंक। अब देखिए मैं आपको तीसरे स्टॉक की तरफ लेके चलूं जो परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, उससे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ हमारी फ्यूचर मंथ की परफॉर्मेंस अक्टूबर सीरीज की। 1,70,000 रुपए का प्रॉफिट है। देखो यहाँ पर ट्विटर पर यूट्यूब पर लोग फेक मतलब कि भेजते रहते हैं अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। ये कॉल्स हमारे क्लाइंट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर लाइव मार्केट में दिए जाते हैं और उन्हीं दाम पर ये कैलकुलेशंस हैं। तो देखो रॉकिंग परफॉर्मेंस है फ्यूचर्स की, और ये तो फ्यूचर की परफॉर्मेंस हुई, ये देखो ऑप्शन की परफॉर्मेंस है। कितने ट्रेड हैं आप देखो यार, ट्रेड कितने हैं, 6 ट्रेड हैं, 25,000 का प्रॉफिट है। तो रॉकिंग परफॉर्मेंस है, मेरी गुजारिश है ऑप्शन की फ्यूचर की हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। imrakeshbansal.com पे जाके आप हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज अंत में एक चीज और बोलूंगा मैं आपको, ये तो फ्यूचर ऑप्शन की तो बता दी, अभी रिसेंटली ये हमने 3 पिक्स अपने स्टॉक पिक्स यूट्यूब मेंबर्स को सब्सक्राइब करी है, 3 ट्रेडिंग आइडिया टू फंड योर वेकेशन। देखो नवंबर आने वाला है, दिसंबर में काफी छुट्टियां होती हैं, तो भैया मुझे लगता है ये 3 स्टॉक पिक्स जो कि ज्यादा दाम वाली नहीं है वेकेशन को फंड कर सकती हैं। तो भाई हमारी YouTube मेंबरशिप को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है, जहाँ पर मैं एटलीस्ट 1 पीक ना मंथ देता हूँ, प्लस में 2 वेबिनार्स हमारे YouTube मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं। एक तो है मोमेंटम का एक तो इनवर्स चार्ट है, और एक मेरी 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है विच आई यूज फॉर क्विक गेन ऑफ 25 से 40% के लिए है। प्लस मेरी लाइव स्ट्रीम में आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अपने सवाल जवाब पूछ पाते हैं, और ये 3 ट्रेडिंग आइडिया शेयर करें मैंने। तो मेरी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब मेंबरशिप को आप सब्सक्राइब करें। तो ये तो मैंने बताया, अब आते हैं जी परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट क्यों है वो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तो आपके सामने आरबीएल का चार्ट खुला हुआ है, ये स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखो ये चार्ट है रिलायंस का, ठीक है। ये देखो नतीजे आए इस दिन, इसके नतीजे आए 21 अक्टूबर को,
भाई 21 अक्टूबर के बाद स्टॉक गिरा भाई, लोगों को शॉर्ट कराया। और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है भैया, जो लोग मंदी लॉन्ग शॉर्ट खेलते रहते हैं, मंदी वंदी करते हैं, उन सबकी मंदी को इसने काट दिया। तो एक तो मुझको लगता है ये परफेक्ट जो है शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। लोग जो शॉर्ट करते हैं ना वो काटते नहीं है, बड़ी जिद्दी किस्म के उनकी प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है। और दूसरा मुझे परफेक्ट लॉन्ग का कैंडिडेट लग रहा है ये रिलायंस है भैया। हर एक को फोमो होता है, स्टॉक को भी होता है, कंपनी को भी होता है, अदानी को भी हो रहा है, अदानी को देख के रिलायंस को भी हो रहा है कि भैया मैं पीछे रह गया। और जिस तरीके का रिलायंस का टेक्निकल चार्ट है भाई, मुझे तो लगता है यहाँ पर 2640 और ऊपर में 2730 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये गैप भी मुझे लगता है ये फिल करेगा इजिली, तो अच्छी एक रैली का कैंडिडेट है ये। तो देखिए डेली चार्ट खुला हुआ है, ये वीकली को देखें आप, लाइंस को हटा रहा हूँ, दिक्कत होती है देखने में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो भैया पहला टारगेट तो ये 2640 के अराउंड का आता है, उसके बाद देखें तो ये 2630 मैंने पहला दूसरा टारगेट निकाला हुआ है। तो इन दो टारगेट्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मुझको परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट लगता है, फ्रेश लॉन्ग का कैंडिडेट लगता है। और अब भैया अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, और स्टॉप लॉस के लिए डेली चार्ट पर आए हैं आप, और ये 2440 के अराउंड स्टॉप लॉस आता है, इसके नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलने की राय होगी। तो ये रिलायंस भी मैंने आपको बताया, अब है मेरा एक बिग वर्ड ऑफ कॉशन। देखिए आप सब लोग जानते हैं मैंने नाइका पर, पेटीएम पर, फिनो पेमेंट बैंक पर वर्ड ऑफ कॉशन दिया था, तो वहां पर क्या हुआ, वो चीजें ढिचकियाओं हो गई एकदम से। तो अब मैं आपको एक बिग वर्ड ऑफ कॉशन देने वाला हूँ, जिसमें अभी भी कई लोग बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो देखिए ये आप एक चीज देखें, ये देखिए नाइका का चार्ट है, कहाँ से मैं वर्ड ऑफ कॉशन देता आ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ हो गया। ये फिनो पेमेंट बैंक है, ये फिनो पेमेंट बैंक है, ये भी डिस्काउंट हो रखा है। और ये पेटीएम को देखें आप, इसकी भी हालत खराब है। और अब जो मुझे लग रहा है जो काफी बड़ा कारनेज करेगा वो है कार ट्रेड। ये है कार ट्रेड, टेक्निकली आप देखो ये लिस्टिंग हुई, ये डिस्काउंट, और भैया एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये देखो ये बन रहा है एक बड़े वाला राउंडिंग बॉटम भैया। आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जिस तरीके का टेक्निकल स्टार स्ट्रक्चर है, नई लिस्टिंग है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो अभी 551 के अराउंड चल रहा है, इजीली 350 तक गिरेगा, 350 तक गिरेगा। तो मेरी हिदायत है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की बॉटम फिशिंग ना की जाए। तो कार ट्रेड में मेरी सीरियस वर्ड ऑफ कॉशन है, किसी तरह की बॉटम फिशिंग ना की जाए, उछाल पे निकलने की चेष्टा करें, और मतलब कि बचना चाहिए, इट्स बेटर टू बी सेफ देन बींग सॉरी। तो आज देखिए आज के वीडियो में मैंने आपके साथ 4 in 1 चीजें शेयर करी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे जैसे ही कोई सुटेबल कंटेंट होगा। थैंक यू।